दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भले ही शादी कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि अभी तक एक्ट्रेस इस बात को लेकर यूं शुरू नहीं हो सकी हैं। तभी तो एक इवेंट में ये बात भूल गई कि वो एक पत्नी भी है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने साल 2018 में आखिरकार अपने रिश्ते पर ऑफिशियल मुहर लगाते हुए दिसंबर में शादी कर ली थी। इसके बाद से ही इस मैरिड कपल के एक दूसरे के लिए स्वीट कमेंट्स सोशल मीडिया पर दिखाई देते रहते हैं। दोनों के साथ में फोटोज़ भी फैंस को काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन लगता है कि ये एक्ट्रेस अभी तक इस बात के लिए यूज़ टू नहीं हुई है कि उनकी शादी हो चुकी है। ये बात एक इवेंट के दौरान सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दीपिका एक इवेंट में अपने व्यूज़ रखती नज़र आ रही हैं। इस दौरान वो खुद के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ और एक्टर हूँ। जब दीपिका इस पर रुक जाती है तो शो की होस्ट उन्हें याद दिलाती है कि वो एक पत्नी भी है, जिस पर दीपिका हंस देती है और कहती है कि मैं भूल ही गई थी कि मैं पत्नी भी हूँ। तो दीपिका कहीं ये भूल तो नहीं गई है कि उनकी शादी रणवीर सिंह से हो चुकी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.